करती है कि हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोसा पायहु फल जो कीने उरोसा। लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैंने जो क्रोध किया था आज मैंने उसका फल पा लिया। रुदन कर रही है, कोई तो बचाने नहीं, मेरा वेदनाओं में जन जटायु। एक गीत पक्षी है, सात्विक है, अदिति कश्यप की कृपा के पात्र है। एक अमला पर अत्याचार देखते हुए जटायु ने दशकंधर को रोकने की चेष्टा की, युद्ध किया, चोट से मारा, पंख से मार रहा है। भाई मेरे, ये भारत भूमि है, यहाँ के पशु भी, यहाँ के पक्षी भी अबला पर अत्याचार सहन नहीं करते, लेकिन अब यहाँ जब खुलेआम अत्याचार होता है तो थोड़ा सर्वसम महसूस होता। ये वही भारत भूमि है, जानकी का हरण करके जब दशकंधर ले जा रहा है, जटायु ने देखा है, क्योंकि जानकी उस समय चिल्ला कह रही थी हारा हारा, और राम की आवाज सुन करके राम के नजदीक ना जाए वो राम का सेवक नहीं हो सकता। जटायु ने बचाने की चेष्टा की है, बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है, क्रोध किया है, युद्ध किया है, और जानकी ने बहुत प्रयत्न किया, जटायु ने बहुत बचाने की चेष्टा की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और दशकंधर ने अपना खड़ग निकाल कर जटायु के पर काट दिए, उसे घायल कर दिया, जटायु नीचे गिर गया। जानकी ने देखा कि अब मेरी सूचना मेरे राम तक कैसे पहुंचेगी। जानकी जा रही है, मार्ग पर कुछ अपने आभूषण कुछ गहने उतार कर नीचे डाले कि कभी तो मेरे प्रभु इधर से आएंगे और इन्हें देख करके तो पहचाने। दशकंधर जानकी को ले जाता है और अशोक वाटिका में विराजित करता है, घर में नहीं। आधन शोक अस्तु अशोक, जिस वृक्ष के नीचे बैठ के आदमी शोक रहित तो हो जाए उस वृक्ष को हम अशोक कहते हैं। तो लक्ष्मण जी राम के पास पहुंचते हैं, राम जी कहते हैं लक्ष्मण कहता है मेरा बाप नेत्र सीता नहीं कुटी में, मेरे बाया आंख फड़क रहा है, मुझे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद अब जानकी कुटिया में नहीं है। मारीच मरा था, मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी, और जिसको सुनकर तुम आए हो आवाज विशाल उसी की, जिसे हम और आप हिरण समझते थे वो हिरण नहीं था, वो वाला मारीच जो विश्वामित्र के यज्ञ में था, हमने सब योजन दूर फेंका, वो माया मृग बना हुआ था, जिसको सुनकर आप आए हो ये विशाल आवाज उसी की थी। भगवान पीड़ित तो हो गए हैं, जानकी को ढूंढ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी, मृग है
एक ढग में गए मधुकर सेनी, तुम देखे से ताब्रिक नैनी। रुदन करते हैं, तड़प रहे हैं, भगवान चले जा रहे हैं। जानकी को ढूंढते हुए मार्ग में अगस्त ऋषि के शिष्य भक्त सुतीक्षण गोदावरी के तट पर आराधना साधना में लगे हैं। अपनी प्रीति को देखते हुए, अपने भक्त के भाव को देखते हुए भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। अतिशय प्रीति देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव। भक्त सुतीक्षण के सामने भगवान खड़े हैं, खड़े हैं, लेकिन सुतीक्षण ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने धीरे से उसके अंदर हृदय से अपनी छवि को चुराया और सुतीक्षण बेचैन होकर उसे ढूंढने लगा। भगवान का दर्शन पाया है सुतीक्षण ने और कहने लगे, प्रभु आपने मुझे तो दर्शन दे दिया, लेकिन अब एक बार मेरे गुरुदेव को भी दर्शन करा दो। शिष्य अगर सार्थक हो, शिष्य अगर साधना करे तो गुरु की कीर्ति निर्मल हो जाती है, और गुरु के मार्ग पर अगर शिष्य चले तो उसका जीवन धन्य होता है, भव सिंधु से पार होता है। जिस समय अगस्त ऋषि ने कहीं गए हुए थे, शिष्य चल और चंचल वृत्ति का होता है, अगस्त जी ने कहा मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, ठाकुर जी का स्नान कराया करना। तो सुतीक्षण जी, जिह्वा मैंने आपको बताया ना, पाप के बाप का लालच है, जिह्वा का स्वाद, जिह्वा से ही सारा काम चालू होता है। अगर जिह्वा से आहार विहार की मर्यादा हो तो रोग नहीं आएगा, है ना। भोजन उपरांत तोयम अमृत वारणी तोयम विषम वारणी, खाना खाने के बाद पानी अमृत का भी काम करता है और विष का भी काम करता है। भोजन के बाद तुरंत नहीं पानी पीना चाहिए, आधा घंटे के बाद तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और भोजन के बाद अगर आपने एक बैग पानी पी लिया तो आपको रोगी हो जाना पड़ेगा। इसी जिह्वा से सारा काम चालू होता है। सुतीक्षण जी ने जामुन के या कुछ फल को खाने की चेष्टा की, फेंका, कुछ नहीं था, ठाकुर जी को ही फेंक थे ऊपर रह गए। और अगस्त ने कहा जाओ हमारे ठाकुर जी को जब लेकर के आओगे तब वापस आना। सुतीक्षण जहां साधना करते थे वहां नल और नील नाम के बंद रहाया करते थे। आप कहते हो ना श्राप, श्राप का मतलब है स्वार्थ। अगर स्वार्थ नहीं तो आप किसी को श्राप दे ही नहीं सकते। नल नील और ठाकुर जी को उठा के पानी में फेंक दे। सुतीक्षण ने कहा जाओ आज से तुम जिस पत्थर पे हाथ लगा दोगे वो पानी में तैरता ही रहेगा, कभी डूबेगा नहीं। यहां श्राप दिया लेकिन उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, तो सेतु बंध के समय श्राप नहीं आशीर्वाद लिखा गया कि नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। अगर आप परमात्मा का कार्य करते हो, सहर्ष गुरु की वाणी स्वीकार करते हो, तो गुरु का श्राप भी आपके लिए आशीर्वाद बन जाता है। स्वीकार भगवान राम से उन्होंने कहा कि चलिए आप दर्शन करा दीजिए। भगवान को लेकर के सुतीक्षण अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। अगस्त देख रहे हैं भगवान खड़े हैं,
लेकिन अगस्त जी को प्रत्यक्ष छवि नहीं दिखाई पड़ रही है, कहते हैं तो कोई नहीं है। अस्तु, जब तक आपके नेत्रों पे भ्रम का पर्दा है, आपके सामने परमात्मा ही हो तो आप स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले अपने भ्रम को मिटाओ, तभी आप जीवन में कुछ बन पाओगे। भगवान राम मोहन भ्रमण करते जा रहे हैं। मतंग ऋषि की शिष्या शिवरी जाति की वीरनी है। कहीं ना कहीं हमारे देश में जातिवाद समाजवाद तो है ही। वीरनी को लोग तिरस्कृत करते हैं। मतंग ऋषि ने कहा, देखो ऐसा है, आप सेवा करते रहो, एक ना एक दिन भगवान जरूर आएंगे। राम राम जपते रहो, धरे रहो नित ध्यान, कब हूँ तो दीन दयाल को मनक पड़ेगी। शिवरी रोज भाव देखिए कितना निर्मल है, रोज अपने केस से अपने बालों से रास्ते को गुहारती है। काटे हैं तो उठा करके बाजू में रख देती है, एक तरफ रख देती है, किसी राह से मेरे राम जी आएंगे कहीं उनको कांटे ना लगे। भिलनी सवार रास्ता, भिलनी सवार